हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? आज मैं बनाने वाली हूँ एकदम सस्ते में बनने वाला शाही पनीर। एकदम जिस तरह से शादियों में बनता है, बस वही टेस्ट है इसका। तो मैं यहाँ पर अब स्टार्ट कर रही हूँ शाही पनीर, जो कि बहुत सस्ते में बन जाएगा। जो घर के इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं वहीं से बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच तेल डाला है, बड़े चम्मच से 2 चम्मच है। तो हमारा जब ये तेल गर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने रफली चॉप करे हुए टमाटर और प्याज है, और कुछ स्लाइस अदरक की हैं और लहसुन की कलियाँ हैं। तो अब मैं यहाँ पर जो प्याज है उसे फ्राई करूँगी। हाँ, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाए बस उतना ही फ्राई करना है। तो अब यहाँ पर मेरी जो प्याज थी उसे मैंने ऐड कर दिया है, और ये लहसुन और जो अदरक है इसको भी हम तेल में ऐड कर देंगे। तो इसको भी इस तरह से थोड़ा हिला लेंगे ताकि ऊपर नीचे तेल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें डालूँगी खड़े मसाले होते हैं, उसमें हमने लेनी है यहाँ पर 2 लौंग, 2 इलायची हैं, और 1 तो छोटी टुकड़ी हैं दालचीनी की। और यहाँ पर डालूँगी मैं इसमें 1 चम्मच जीरा, जो कि जो भुना हुआ जीरा होता है ना, मतलब तेल में फ्राई किया हुआ, इसको पीस देंगे। तो थोड़ा तेल में फ्राई हो जाएगा तो वो पीस जाएगा बाद में, तो उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। तो अब हमें इसे थोड़ा अच्छी तरह से यानी कि 30% फ्राई हो जाना चाहिए जो लहसुन अदरक है और जो प्याज है। तो मैंने मिक्सी के जार में जो रफली चॉप करी हुई टमाटर थे वो मैंने मिक्सी के जार में डाल दिए। जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही थी तो मैंने यहाँ पर पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स काट करके रख दिया है। तो प्याज हमारी फ्राई हो गई है, और उसको मोस्टली 5-6 मिनट लगते हैं बनने में। तो इस तरह किनारे से करके इसका ऑयल निकाल लें, और प्याज को हमने एकदम अच्छे से इसका प्योरी बना लिया, एक साथ सारा पीस लिया था। एकदम स्मूथ ग्रेवी बनती है इसकी, और जो ऑयल बचा हुआ था बस उसी ऑयल में मैंने जो पेस्ट था ये डाल दिया है। अब इसमें जो मसाले हैं वो थोड़ा ऐड कर लेंगे। पहले डाली है मैंने यहाँ पर मिर्ची, जो कि आधी आधी चम्मच 2 बार डाली थी, और आधी आधी चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी डाली है, और ये है धनिया पाउडर, जो कि 2 चम्मच भर भर के 2 चम्मच डाले, चम्मची छोटी सी है जो मसालेदाने में होती है। और यहाँ पर 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कितना बनाना है आपको ग्रेवी इसकी। तो मैं इसकी ग्रेवी ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, ज़्यादा थिन नहीं रखेंगे, थिक रखेंगे, तो कि बाद में जब ग्रेवी पक जाती है, ठंडी होने लगती तो वो एकदम और ज़्यादा थिक हो जाती है। तो अब हमारा मसाला भुन रहा है, इसको हम ढक्कन मार के रख देते हैं। मसाला जो था अच्छी तरह से भुन जाएगा। तो हमारा मसाला यहाँ पर भुन गया है, अब इसमें थोड़ा और भुनना बाकी है। तो थोड़ा थोड़ा ऑयल सेपरेट होने लगा है इसमें, हमको इतना भुनना है कि जो पहले ऑरेंजिस कलर दिखाई दे रहा था, तो आपको उसको डार्क डार्क रेड रेड करना है एकदम ब्राउनिश कलर में। तो हमारा जो मसाला था अच्छी तरह से भुन गया है। तो मैंने मसाला भूनते वक्त इसमें शाही पनीर का मसाला जो था 1 चम्मच वो भी डाला था, वो एडिटिंग करते से मैं स्किप हो गया था। तो यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 ग्लास गर्म पानी डाला है इसमें। तो ऐसा नहीं गर्म पानी ज़रूरी डालना नहीं है, मेरे पास था तो मैंने सोचा कि चलो गर्म पानी किया है, वेस्ट जा रहा है तो चलो क्यों ना सब्जी में डाल दिया जाए, सब्जी जल्दी बन जाएगी। ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो हमारे शाही पनीर का जो ग्रेवी था, मसाला बन चुका है। थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कितना पतला रखना है, कितना गाढ़ा रखना है। ये है हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट्स, जो है फुल क्रीम दूध। इस दूध में मैंने 2 चम्मच मलाई होती है ना घर की, उस मलाई को अच्छे से फेंट करके और उसके ऊपर मैंने दूध डाल दिया था, उसको भी अच्छे से फेंट लिया था, एकदम फुल क्रीमी दूध बना था। तो आपकी जब ग्रेवी अच्छे से बॉईल आ जाए, 2-3 बॉईल के बाद आप इसमें जो फुल क्रीम दूध था उसे ऐड कर दो, और जैसे ये
इसमें भी बॉईल आने लगे इसके ऊपर आप पनीर डाल दो, एकदम झटपट बन जाता है, कोई टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में और कोई ज़्यादा लपड़ चपड़े भी नहीं है, स्वाद एकदम औसम, होटल वाला होटल रेस्टोरेंट में जैसे मिलता है ना शाही पनीर साथियों में मिलता है, उससे भी ज़्यादा अच्छा पनीर बनता है। इसमें ना आपको कोई काजू का पेस्ट डालना होता है, ना ही मगज का पेस्ट डालना होता है, ना ही और भी कुछ चीज़ें ड्राई फ्रूट्स वगैरह पेस्ट की डालने की ज़रूरत है। आप सिर्फ इसमें एक कप दूध से आप अच्छा सा शाही पनीर बना सकते हैं। तो मेरा जो शाही पनीर एकदम रेडी हो गया है और अब मैंने इसमें डाला है हरा धनिया, इस तरह से गार्निशिंग करिए थोड़ा सा, और पकने के बाद मैंने थोड़ा कढ़ाई में भी हरा धनिया डाल दिया, झटपट बन जाता है, बहुत टेस्टी है। आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ, रोटी के साथ, जिस मर्जी के साथ खा लो, ऑल टाइम फेवरेट सब्ज़ी, कुछ नहीं हो झटपट बनाओ शाही पनीर, एकदम अचार वाला जो मार्केट में मिलता है ना रेस्टोरेंट में, बस वही टेस्ट आता है इसका। तो सब्ज़ी इतनी औसम बनी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने जो एक पनीर का क्यूब्स बचा लिया था ना, तो वो पनीर मैंने इसमें थोड़ा सा ऊपर क्रस्ट करके डाला है गार्निशिंग के लिए, और बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, बस एवरीथिंग फाइनल, बिल्कुल बहुत जल्दी बन गया था। और आप भी ट्राई करेंगे, ऐसी रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर, प्लीज़ कमेंट करके बताया करो यार कैसी बनी मेरी।